हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं हॉकिंग्स के प्रो ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील के न्यूली लॉन्च फ्राई पैन के बारे में। अगर आप स्टेनलेस स्टील का फ्राई पैन लेना चाह रहे हैं, एक ऐसा फ्राई पैन जिसमें स्टेनलेस स्टील का स्टे कूल हैंडल लगा हो, साथ ही साथ ऊपर स्टेनलेस स्टील का ढक्कन हो और 5 साल की गारंटी ऑल इंडिया मिल रही हो, तो हॉकिंग्स का प्रो ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील का फ्राई पैन आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो बाकी ब्रांडेड कंपनियों से काफ़ी कम है, बट क्वालिटी उससे बेहतर ये दे रहा है। तो आखिर क्वालिटी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या साइजेस हमें मिल रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में, आज हम वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके हॉकिंग्स की प्रो सीरीज के बारे में। तो ये 2024 का ब्रांड न्यू लॉन्च है, तो चलिए इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी फ्लॉलेस बॉक्स पैकेजिंग है। यहाँ से अटैची पैकिंग इसको वैसे हम लोग कहते हैं। साथ ही साथ जब इसको अगर हमें ओपन करना है तो यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूँ, ये पहली बार है कि हम अपने चैनल पर इसका डिटेल रिव्यू कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स पैकेजिंग ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अंदर की तरफ से पैकेजिंग बहुत ही प्यारी होती है, कहीं से भी प्रोडक्ट डैमेज ना हो, इस चीज़ का हॉकिंग्स बहुत ध्यान रखता है। तो चलिए पहला लुक आपको दिखाते हैं हॉकिंग्स के इस स्टेनलेस स्टील प्योर सीरीज के फ्राई पैन का। सबसे पहले ये ऊपर का जो पोर्शन दिया हुआ है इसको हम ओपन करते हैं। तो ये जो एक गत्ता दिया हुआ है इसको जरा हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इस डिब्बे में हमें ढक्कन मिलता है। तो स्टेनलेस स्टील का लिड पहली बार हॉकिंस दे रहा है कंप्लीट स्टील हैंडल के साथ। अभी तक इस टाइप का हैंडल नहीं आता था, ढक्कन नहीं आता था, तो अब हॉकिंस ने ये दे दिया है। तो चलिए पहला लुक आपको इसका सबसे पहले दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये इसका पहला लुक है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी प्यारी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ है और उस फिनिशिंग में हॉकिंस और फ्यूचरा का मार्का यहाँ पे लगा हुआ है। नीचे की तरफ से भी यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग दी हुई है। ज़्यादातर कंपनियाँ यहाँ पे फैट मैट फिनिशिंग देती है, हालांकि उसका कोई अंतर नहीं है। साइड जो दिया हुआ है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, कहीं भी हाथ में लगेगा नहीं, और उठाने के लिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा ग्रिप दिया हुआ है। मैं अगर आपको बताऊँ तो रिविट से लेके इसके लुक से लेके इसकी ग्रिपिंग से लेके मुझे कोई भी फ्लॉ नहीं लग रहा है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट इन्होंने अपनी क्वालिटी में दिखा दी है। काफ़ी समय पहले मैंने हॉकिंस के फ्राई पैन से बताया भी था कि इस टाइप का कांच का ढक्कन आता था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता था। साथ ही साथ साइड में रिम में भी गंदगी फंसती थी और ये रोजवुड हैंडल जो है वो डिशवॉशर में भी हम क्लीन नहीं कर पाते थे। बट अब समय चेंज हो गया है और काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट के साथ हॉकिंस ने अपना ये वाला ढक्कन भी अब लॉन्च कर दिया है। तो काफ़ी सारे आगे आने वाले हमें कुकवेयर्स में ये लिड भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं पहला लुक इस फ्राई पैन का, तो मैं आपको बता दूं इस फ्राई पैन की जो डिजाइनिंग दी हुई है, मैं अभी तक मैंने जितने भी फ्राई पैन रिव्यू किए हैं उसमें ये काफी अच्छी डेप्थ के साथ आता है। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अंदर की तरफ से फूड ग्रेड AISI 304 ग्रेड स्टील लगा हुआ है, बाहर की तरफ से इंडक्शन कंपैटिबल स्टील लगा हुआ है। हॉकिंग्स प्रो की ये सीरीज है जिसमें यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे 3mm की जो थिकनेस आपको देखने के लिए मिल रही है, ये जो थिकनेस दी हुई है यहाँ पे, जो ये मोटाई, ये थिकनेस जो दी हुई है बाकी कंपनीज में 2.5 आती है। काफ़ी सारे लोग इस सीरीज को अदर ब्रांड से भी डिस्कस कर रहे थे, तो इंतज़ार थोड़ा सा और कर लीजिए। मैं इस फ्राई पैन का बाकी XYZ सारे ब्रांड्स के साथ कंपैरिजन भी दिखाने वाला हूँ और बहुत जल्द आपको भी दिखाऊंगा कि और कौन से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इससे कम्पीट कर रहे हैं। बट अभी तक का बेस्ट फ्राई पैन स्टील में मुझे ये, उसके 2-4 कारण हैं जो अभी हम वीडियो में आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपको 3mm की थिकनेस के साथ दे दिया है ट्राईप्लाई स्टील, जो कि बाकी कंपनी से बेहतर थिकनेस है। इससे पहले यहाँ पे वुडन हैंडल आता था, बट अब यहाँ पे आपको प्योर स्टे कूल स्टेनलेस स्टील का हैंडल दे दिया है। डिजाइन आप देख ही पा रहे होंगे कितना बढ़िया और फ्लॉलेस डिज़ाइन दिया हुआ है। हाथों से पकड़ने में भी काफ़ी अच्छी ग्रिप आ रही है। लटकाने के लिए यहाँ पे होल दिया हुआ है, साथ ही साथ रिविड बड़े प्यारे दे रखे हैं। यहाँ पे आप रिविड भी दे पा रहे होंगे, कितने प्यारे तरीके से दिए हैं कि पूरा हाथ पहुँच जा रहा है। आप बहुत ईजिली यहाँ से क्लीन भी कर पाएंगे। तो हमेशा जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कमियाँ बताता था हॉकिंग्स में, वो सारी कमियाँ यहाँ पे फुलफिल कर दी हैं और बहुत अच्छी तरीके से इंटैक्ट तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। ये इंडक्शन गैस और डिशवॉशर सेफ हो चुका है, पहले की सीरीज डिशवॉशर सेफ नहीं थी, अब वो भी डिशवॉशर सेफ कर दी है। अगर डायामीटर की बात करी जाए तो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर का डायामीटर दिया हुआ है। आप चाहें तो बड़ा छोटा साइज भी ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका छोटा बड़ा साइज सब मैंने रख दिया है। साथ ही साथ ये डिशवॉशर सेफ तो है, बट गारंटी आपको 5 ईयर्स की मिलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों गारंटी कवर होगी। बारकोड दिया हुआ है जिसको आप स्कैन करके आप इसकी ऑनलाइन गारंटी भी क्लेम कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फ्राई पैन में पनीर कबाब और ये
पोस्ट एग की पूरी रेसिपी इसमें दी हुई है, मगर आप अगर आप नए नए कुकिंग कर रहे हैं इसमें तो इससे आप देख के गाइडेंस पूरी पूरी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी हैंडल्स आपको हैं ये आपके ऑर्डिनरी हैंडल्स नहीं हैं, ये स्टेनलेस स्टील के और काफ़ी अच्छे एलियन हैंडल्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि उसी के साथ साथ डेप्थ इतना दिया हुआ है, डेप्थ ही इंपॉर्टेंट होता है। सॉटे वेजिटेबल्स के लिए आपको अलग से पैन लेने की ज़रूरत नहीं, फ्राई पैन और सॉटे वेजिटेबल्स के लिए ये सिंगल पैन ही आपका पूरा साथ देगा। चलिए ढक्कन लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट लिड लग गई है। एक बार इसका हम आपको 360 डिग्री व्यू भी दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका 360 डिग्री व्यू कि कितना प्यारा इसकी डिजाइनिंग है, कितना लग्जीरियस ये फ्राई पैन लग रहा है। अगर आप शेफ हैं तो भी आपको ये अभी बाकी ब्रांड से ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगर आप घर की कुकिंग कर रहे हैं और फैमिली को हेल्दी कुकिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो अगर मैं किसी भी ब्रांड की बात करता हूँ, इससे अगर हम जोड़ लिया जाए तो किसी भी ब्रांड की बात करें जाए तो ऐसे फ्राई पैन इतने हैवी, इतने बढ़िया क्वालिटी के लगभग 3000 रुपए के आसपास की एमआरपी पे आते हैं। बट हॉकिंग्स ने इसको 2200 रुपीज का दे रखा है, जिसमें 10-15% गारंटेड आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका बाय लिंक दे रखा है, जहां से ये आप डेफिनेटली परचेज कर पाएंगे। तो हैंडल की क्वालिटी तो आप देख ही पा रहे हैं कितनी प्यारी क्वालिटी इसकी यहां पे दी हुई है। रिविट की क्वालिटी भी आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे ये रही। और गेज तो मैं आपको इससे पहले भी दिखा चुका था, तो मेरे हिसाब से मैंने लगभग हर चीज़ कोशिश की है कि आपको मैं यहां पे इसको दिखा दूं कि आखिर आपके लिए आसान हो जाए। और साथ ही साथ इस सीरीज़ में आपको यहाँ पे इस सीरीज़ में आपको कढ़ाई भी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें अब बहुत अच्छे प्राइसिंग में लॉन्च हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी कढ़ाई या ये फ्राई पैन में से कोई भी चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों के बाय लिंक्स मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। कढ़ाई का भी गेज डेप्थ काफ़ी प्यारी है और अच्छी दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे हैंडल्स में जितना भी मैं पहले सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं देता था, बट अब यहाँ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ हॉकिंग्स की क्वालिटी, डिज़ाइनिंग और इसकी जो साइज़ दी हुई है उसकी वजह से। तो बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन आ चुका है बाकी ब्रांड्स के लिए ट्राईप्लाई स्टील में। तो बिल्कुल सोच समझ के अब परचेजिंग करिएगा। हालांकि मैंने अभी तक पहली प्रायोरिटी इससे पहले मैं मैक्सिमा को या स्थल को देता था, बट अब मेरी पहली प्रायोरिटी आगे से होने वाली है हॉकिंग्स की प्रो सीरीज। अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च है तो इसके लिए यह है कि काफ़ी जगह आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, बट विद इन 10 डेज ये आपको ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल मिलने वाली है। क्योंकि हॉकिंग्स जैसे ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आपको ये चीज़ें हर जगह मिलने वाली है। हालांकि अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन ही परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनका बाय लिंक्स दे दिए हैं, जहाँ पे अलग अलग साइजेस हैं। कढ़ाई में अगर आपको साइज लेना है तो 2.5, 3.5 एंड 6 लीटर का बहुत ही बढ़िया साइज दिया है, जो आगे मैं रिव्यू भी करूंगा, बट आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो के नीचे मैंने बाय लिंक दे रखा है। फ्राई पैन में ये वाला 22 सेंटीमीटर का साइज मुझे अच्छा लगा, तो अभी तो मैं इसी को रिकमेंड करूंगा। आगे आने वाले दिनों में जब दूसरा साइज आएगा तो उसका भी डिटेल रिव्यू मैं कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।